2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो अपडेटेड सिलेबस है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अपडेटेड सिलेबस, जिसका भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और इस सिलेबस के अनुसार हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, यानी 2024 में इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। और इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं, उनसे जो भी प्रश्न बनेंगे उनको भी मैं बताता चलूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और आप सभी लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और एक बार शेयर जरूर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, यहां आप ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा, 70 अंकों का। कुछ यहां पर निर्देश हैं, जैसे पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अगला निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड मा में विभाजित है। और अगला निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। उदाहरण के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ठूठा आम किसकी रचना है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है पहला विकल्प सही है, मान लीजिए सही नहीं है लेकिन मान लीजिए, तो आपको OMR सीट मिलेगी। और OMR सीट कुछ इस तरह की होगी, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2023 में जारी की गई यूपी बोर्ड के द्वारा OMR सीट का नमूना है, और इसी पैटर्न पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है पैटर्न OMR सीट का, बाकी सेम ऐसे ही रहेगी। और इस OMR सीट में आपको करना क्या है, मान लीजिए पहले का पहला सही है तो ए वाले गोले को काला करना है, दूसरा तो दूसरे वाले को, तीसरा तो तीसरा, यानी जिस प्रश्न का जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको 20 गोलों को काला करना है। यानी 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, कितने 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने अंक का, 1 अंक का। यहाँ पर लिखा है अगले निर्देश के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय भी मिलेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट में आपको 1 घंटा इसके लिए मिलेगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए। और 2 घंटे का समय निर्धारित है जब आप प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक भी निर्धारित किए गए हैं, यानी दिए गए हैं। और अब बारी आती है खंड आ की, जो की है बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित। यहां पर पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, लेकिन मैं आपको इन 20 प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी बताऊंगा, इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ठूठा आम किसकी रचना है, मेरे प्यारे बच्चों, ठूठा आम किसकी रचना है। विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय। तीसरा है भगवती चरण वर्मा। और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ठूठा आम किसकी रचना है, यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आता है ठूठा आम रचना की विधा क्या है, तो ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको एक प्रश्न से कई प्रश्नों को करा दूंगा, यदि प्रश्न कैसे भी आए आपकी परीक्षा में आपसे छूटने ना पाए। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, शुक्ल युग की कालावधि है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो कि शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा है।
है तो पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक और चौथा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो मैं आपको इसका उत्तर बता दूं और आप भी कमेंट करके बताते रहिए प्रश्नों का आंसर। यहां पर शुक्ल युग की कालावधि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प यात्रा वृतांत, दूसरा है विकल्प संस्मरण, तीसरा विकल्प है यहां पर उपन्यास और चौथा है विकल्प कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलकत्ता से पीकिंग के रचनाकार कौन है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है रचनाकार? भगवत, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा रचित है यह रचना, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा कलकत्ता से पीकिंग, जो कि यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? पहला विकल्प है जयप्रकाश भारती, दूसरा है विकल्प भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है गुलाब राय और अगला है रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि यदि प्रश्न आता है किस विधा पर आधारित रचना है, तो निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेकिन यहां प्रश्न आया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहां पर पहला है विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इन्होंने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभाला था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ष है जिसमें तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था? पहला विकल्प है 1953 ईस्वी, अगला है 1943 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1935 ईस्वी और चौथा है 1919 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों कि तार सप्तक का प्रकाशन या संपादन किया था किसने, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, कब, 1943 ईस्वी में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्नों का आंसर बताता जा रहा हूं, इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लोगे तो 2024 में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस मॉडल पेपर के द्वारा आप सभी की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हरिओध, यानी हरिओध जी का पूरा नाम क्या था? तो यदि प्रश्न आता भी है तो आप उत्तर कर लेना, हरिओध जी का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगला विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग कमेंट करके भी आंसर बताते रहिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हंसी हंसी भाजे देख दुलह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में,
किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है, यानी दिए गए उदाहरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। पहला विकल्प है वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है विभत्स रस। तो हंसी हंसी भाजय देख दुलह दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हास्य रस का स्थाई भाव क्या है? हास है। और यहाँ पर शुरुआत में ही हंसी हंस दो बार लिखा है, यानी यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? यहां पर क्या होगा? तुलना की जाती है। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जाते हैं नहीं होगा, जाती है होगा। वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प 16-16, दूसरा विकल्प 13-13, तीसरा विकल्प 11-11, चौथा विकल्प 24-24। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, यदि प्रश्न आ जाए सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है नवरत्न में कौन सा समास है? तो आप कमेंट करके आंसर भी बताते रहें। पहला है विकल्प कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद समास और चौथा है बहुव्रीही समास। तो नवरत्न में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। और यहां पर नव पहला शब्द है, नव यानी नव गिनती को बता रहा है और रत्न यानी नौ रत्नों का समूह। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रात का तत्सम होगा, तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा? रात्रि होगा, निशा होगा या दिन होगा या कोई नहीं, तो रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पहला है विकल्प विलोम, दूसरा विकल्प है तद्भव, तीसरा है पर्यायवाची और चौथा है तत्सम। तो पेड़ तरु द्रुम आदि क्या हैं? ये वृक्ष के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर राइट होगा आंसर पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, मध्वरि का संध विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? मधु प्लस अरिह हो जाएगा, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गम, गरम, वट या हट। तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी भी, यानी उपसर्ग जो होते हैं वह किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, गुरुवह देशा में कौन सी संधि है? तो पहला विकल्प है यहां पर गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो गुरुवह देशा में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प मेरे प्यारे बच्चों पंचमी विभक्ति एकवचन, दूसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन,
तीसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो फलेषु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पठस हो जाएगा। फिर हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा हसामह हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। तो जब आप ओएमआर सीट में, कहां पर ओएमआर सीट में 20 प्रश्नों का आंसर यानी 200 प्रश्नों का सही आंसर कर पाओगे, तब आपको ये पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको ये 20 नंबर जरूर दिला के रहूंगा, ऐसी आपके साथ मेहनत करूंगा, बस आप भी मेहनत करते रहें, अपनी नोट्स भी तैयार करते रहें। तो यहां पर खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा और यह होगा 50 नंबर का। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न होंगे, जैसा कि यहां पर आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा और जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। तो चलिए मैं बताता चलूं ये गद्यांश किस पाठ से हैं। तो कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यह आप सभी जानते हो, किस पाठ का है। तो यह जो है मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया गद्यांश है। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है यह पाठ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, मित्रता शीर्षक पाठ, जहां से यह गद्यांश लिया गया है। और इसके बाद अथवा में जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। तो यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से है, यह ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार कौन है ममता शीर्षक पाठ के, जय शंकर प्रसाद जी। कौन मेरे प्यारे बच्चों, जय शंकर प्रसाद जी हैं। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, पहला पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यह किस पाठ से लिया गया है, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित है पद शीर्षक पाठ और सूरदास जी के सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है, सभी पदों की व्याख्या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, बिल्कुल आसान व्याख्या बताई है। यदि आपको वीडियो नहीं मिलते तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अथवा में भी पद्यांश पूछा गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। तो यह किस पाठ से है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है स्वदेश प्रेम, किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कविता है। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 3 क्या होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे इस बार। तो यहां पर गद्यांश क्या है, पहला नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दात समर्था न अभवत। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। और अगला जो गद्यांश है यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी शीर्षक पाठ से। इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्रत्येक गद्यांश का पद्यांश का भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे,
यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स बना पाओगे। अगला यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का यह भी प्रश्न आएगा। आपको क्या करना होगा, किसी एक पद्यांश का संस्कृत के किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो पहला क्या है यहाँ पर मॉडल पेपर में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। और अथवा में जो पद्यांश आया है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या अगला जो होगा जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न आए हुए हैं। उदाहरण के लिए अग्रपूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है अग्रपूजा खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से दो दो प्रश्न है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप अपने विद्यालय के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 3 नंबर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर पूछा गया है मॉडल पेपर में। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे, जैसा कि 2023 में मिले हैं सभी बच्चों को। और 6 प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, यहां भी वेरी इंपॉर्टेंट कवियों का नाम लिखा है, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो आप लोग किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिएगा, जब आपकी बोर्ड परीक्षा आएगी करीब तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से जीवन परिचय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप बिल्कुल तैयार कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है यहां ध्यान देंगे, एक कवि का जीवन परिचय और संबंधित कवि की रचना का नाम लिखने पर आपको यहां भी 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको कोई एक श्लोक लिखना होगा जो पेपर में ना आया हुआ हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 यहां पर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, निबंधों का यहां पर नाम लिखा है, पर्यावरण, प्रदूषण, कारण एवं निवारण, वन महोत्सव, मेरा प्रिय कवि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है ये सभी, आप जरूर तैयार कर लेना और निबंध लिखने पर आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो अपडेटेड सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर जो है हिंदी का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, इसे पूरा सॉल्व भी करा दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।